इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न लिखो. फर्स्ट, सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट. सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट. फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ शुड बी सिग्निफिकेंट. फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ शुड बी सिग्निफिकेंट. फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ शुड बी सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट लिखो, रेशियो ऑफ आई मैक्स बाय आई मिनिमम शुड बी लार्ज. रेशियो ऑफ आई मैक्स बाय आई मिनिमम शुड बी लार्ज. एक दो पॉइंट और है, मैं अभी समय के साथ बताऊंगा. देखो इधर ध्यान से और देख. अच्छा, मैं आपसे कुछ छोटी बातें इसमें और पूछूं, देख कैसे. मान लो मैं आपको बोलूं, सोचना, यह आपका पूरा कार्डबोर्ड है, यहां पे आपका ब्राइट डार्क बनता है. मुझे बस ये बताना कि ये ब्राइट डार्क जो बना, ये जो फ्रिंजेस की शेप कैसी होगी. मतलब आपको कार्डबोर्ड पे, ये तो मैं तेरे को 2D में दिखा रहा हूं ना, कार्डबोर्ड तो ऐसे है ना पूरा, और स्लिट भी पूरी ऐसे. आपको यहां किस तरीके की शेप की फ्रिंजेस दिखेंगी. तुम्हें सेटअप समझ में आता ही नहीं आता. ये छेद है कि स्लिट है पूरा, ऐसे ऐसे ही कार्डबोर्ड भी है. मैं कह रहा हूं शेप ऑफ इंटर, जो आपको शेप ऑफ फ्रिंजेस नजर आएगी वो कैसी नजर आएगी. अब वीडियो दिखाऊंगा मैं इस पर बढ़िया, इसलिए वो अभी याद चल जाए तो है. बोलो बोलो बोलो, कैसा फ्रिंज पैटर्न नजर आएगा इस पे अगर मैं इस वाले को ऐसे बनाऊं, ऐसे बना लेता हूं, तो कैसी शेप आपको नजर आएगी. बोलो, स्ट्रेट लाइंस, ऐसे. ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क. ऐसी ये पूछ चुका है जेई जो मैं आपसे पूछ रहा हूं. ऐसी फ्रिंजेस नजर आएगी, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क. ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ऐसे स्ट्रेट. हर एक स्लिट के सामने क्या एक एक पॉइंट है पूरा का पूरा. क्या फॉर एवरी पॉइंट देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ सोर्स. रियलिटी में पूरा पूरा ऐसा बनता है, ऐसा पैटर्न आपको नजर आता है. थोड़ा सा फिर एंड आते आते डेविएट हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता, क्योंकि वो एंड करेक्शन आने लगते हैं, वो एक अलग बात है. बट जो आपको बीच का पोर्शन नजर आता है वो इस प्रकार का नजर आता है, स्ट्रेट फ्रिंजेस. कैसी, ये पिन होल्स नहीं है, ये होल है कि स्लिट है. तो आपसे पूछा जा सकता है कि YDAC सेटअप में किस तरीके का आपको फ्रिंजेस नजर आती है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइंस. कैसा होगा, स्ट्रेट लाइंस, इस प्रकार का उतार फ्रिंज पैटर्न इन YDAC. इसमें और अच्छा वर्जन पूछता हूं, तीन चीजें इसमें कराता हूं, अच्छी अच्छी सुनना. जनरली वैसे यही पूछी जाती है, जो हम नॉर्मल YDAC पढ़ते हैं उनका फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा. अरे बोलो भाई, जैसे टफ पूछता हूं. मान लो पिन होल्स हो, तो अब ये स्लिट नहीं है. मैं बोलूं कि अगर ये पिन होल हो, होल हो, छेद, स्फेरिकल कैसे बन सकता है 2D में. सोच के बोलो, जल्दबाजी मत करो. अगर ये पिन होल हो तो कैसा पैटर्न दिखाई देगा. लेंस शिफ्ट,
और सोचो, चलो ऑप्शन, सवाल लिख लो कि इफ यू रिप्लेस स्लिट्स बाय पिन होल्स, सवाल लिख लो इफ यू रिप्लेस पिन होल स्लिट्स बाय पिन होल इन वाईडीएसी देन व्हाट विल बी द शेप ऑफ इंटरफेरेंस. इफ यू रिप्लेस स्लिट्स बाय पिन होल्स इन वाईडीएसी देन शेप ऑफ इंटरफेरेंस. ऑप्शंस आर सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, हाइपरबोला. ई चार ही होते, ठीक है चार लेंगे. हाँ पैराबोला भी तो होना चाहिए. बोलना पड़ेगा, अभी बिना बोले नहीं आएगा. कितने लोग सर्कुलर के साथ हैं? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के साथ है. इलिप्स, हाइपरबोला. अच्छा हाइपरबोला पे भी है, पढ़ा भी है कभी हाइपरबोला? पैराबोलाज, ओके सभी वैरायटी उपलब्ध. ध्यान सुनना, तफील आएगी. आंसर है फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज. ये देखो तुक्का सही हुआ, ये आंसर है फैमिली ऑफ. पहले मैं आपको फील कर रहा था, हालांकि अभी आपने हाइपरबोला पढ़ा नहीं, तो तुमने सुना था S2P - S1P बराबर कांस्टेंट, कभी पढ़ा है फोकस के बारे में? मैं तो फील कर रहा था, उसे सुनना ये बात समझ अच्छे से जो मैं कह रहा हूं. इधर देख ध्यान से, आजा मटी उसरा मारा हो, आ जाओ यार सुन. देख ये S1 ये S2, मैं कहूं कि अगर अपन बिल्कुल इसी फ्रेम में देखें, बिल्कुल इसी के सामने पिन होल्स के सामने, तो यहां सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा कितना ऊपर, लेमडा डी बाय डी. बट पिन होल्स के केस में चक्कर ये है कि सोच सोच, अगर मैं ऐसे स्क्रीन है ये पॉइंट यहां लूं, तो इस पिन होल से अब स्क्रीन से दूरी डी ही रही या बढ़ गई? सोच के देख मैं फिर क्या कह रहा हूं. मान लो मैं ये यहां आ जाऊं, तो अब जो स्क्रीन पे मान लो यहां लेना चाहते हो आप, तो स्क्रीन की दूरी डी रही कि डी से ज्यादा? तो फर्स्ट मैक्सिमा यहां के लिए ऊपर गया कि नीचे? सोच के देख मैं फिर क्या कह रहा हूं, सुनना है. देख बता, यहां पे फर्स्ट मैक्सिमा है नहीं है, मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, इधर सुनना. फर्स्ट मैक्सिमा यहां है नहीं है, मैं कह रहा हूं इधर आओ आप, इधर की तरफ थोड़ा. तो स्क्रीन की बड़ा डी छोटे डी में कोई चेंज आया? लेमडा में. किस चीज में चेंज आया? अब बड़ा डी में चेंज आया तो बड़ा डी बड़ा घटा, तो फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी यहां से अगर देखो तो ऊपर गई कि नीचे? ऊपर गई. तो सोच, और ऐसे अंदर भी ऊपर गई, तो देख ऐसे. अरे यार ध्यान सोच, तो कैसी शेप नजर आई? इधर देखना कैसी, मैं बताता हूं आपको जो आपका सवाल था उसमें. ऐसे देख, ऐसे नजर आई. सो मत देख, देखो ऐसे. क्या है ये? फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज. क्या है ये? उड़ गए तो पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हो आप, खुद ही को अच्छा लग रहा है. इमेजिन कर, क्योंकि मैं तो गणित से तो अभी नहीं समझा सकता. इधर सुन, इधर देख फिर से, देख ऐसा क्यों आया है. देख ध्यान से, यहां पे फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी लैम्डा डी बाय डी है ना, अगर आप स्क्रीन के यहां आ जाओगे तो डी बढ़ेगा घटेगा? अरे डल रिस्पॉन्स है यार, बढ़ेगा घटेगा? तो फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन ऊपर जाएगी नीचे? ऊपर जाएगी. तो सोच ऐसे देख, ऐसे उधर भी. क्या चीज है ये? हाइपरबोलाज. क्या है ये?
जब हाइपरबोला सर आपको पढ़ाएंगे तो एक चीज पढ़ाएंगे, S2P - S1P बराबर कांस्टेंट, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यहाँ पे वही हो रही है। अगर कोई भी फर्स्ट मैक्सिमा ले रहे हो तो वहां पे पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट है ना, कितना है लैम्डा, कितना है, तो क्या लिखोगे, S2 और S1 सोर्सेज हैं, S2P - S1P बराबर कांस्टेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलास, दीज आर द इक्वेशन ऑफ, क्या मैंने थोड़ा ज्यादा टफ पढ़ा दिया है, हैं? अभी सिर्फ याद रखना है, ऐसे समझ लो तुम, अभी गणित से मैं नहीं समझा सकता, फील ही करा सकता हूँ तुम्हें। हाँ वो अलग तरीके से पढ़ता है इसलिए वो हाइपरबोला आता है, हाँ वरना तू पैराबोला भी बोल सकता था, पर मैं बता रहा हूँ कि हाइपरबोला है ना, देख बोलने में तो, पर वो असलियत में गणित से क्या निकल के आता है, वो हाइपरबोला। अभी आप तो समझ लो, आपको याद रखना है कि अगर वाईडी सेटअप हो तो स्ट्रेट लाइन, पिन होल्स कर लो तो हाइपरबोला, थोड़ी सी फील कराई गई आपको। चल इसमें एक और वैरायटी पूछता हूं, अक्का लगाना, पहले तो ये फैमिली ऑफ हाइपरबोलास समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी याद रखना है। अगर सिंपल वाईडी एसी की बात करेंगे तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और अगर दूसरी तरह की बात करेंगे तो इट्स अ हाइपरबोलास। मैं कहूं ऐसे सेटअप में क्या बनेगा, ऑप्शन सेम है, ऐसे स्क्रीन हो और सोर्सेज पॉइंट सोर्सेज हो ऐसे, ये आसान है, मन में करना सब, कोई बोलेगा नहीं ये आसान है, कोई बोलेगा नहीं मन में, इट्स अ मुंडी क्वेश्चन, पॉइंट सोर्सेज, सवाल अभी भी सेम और ऑप्शंस भी सेम, ऑप्शन भी सेम है, सर्कुलर, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोलास, पैराबोलास, आ जाओ क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, सर्कुलर, सर्कुलर फ्रिंजेस हैं, ये आसान था अगर थोड़ी बुद्धि लगाता तो। देख इधर सुन, ऐसे नहीं, नॉर्मल तरह सोचो ना, किसी भी फ्रिंज विड्थ के लिए मान लो फर्स्ट मैक्सिमाज बन रहे हैं तो पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट रहता है ना, क्या कांस्टेंट रहता है पार्ट, मैं मान रहा हूं कि टिपिकल चीजें बता रहा हूं मैं आपको, पर ठीक सुन यार, देख सोच के देख, मैं कह रहा हूं यहां मैक्सिमा बना पहला मान लेते हैं, अब तू लॉजिकली समझना, तेरे को बात समझ में आ जाएगी, ये पॉइंट पी, यहां पर डेल्टा एक्स कितना है लैम्डा, सोच के देख इस पॉइंट पी को कैसे घुमाऊं, लैम्डा का मतलब क्या है, S2P - S1P बराबर लैम्डा, यस और नो, सोच के देख इस P को कैसे घुमाऊं कि S2P भी चेंज नहीं हो S1P भी चेंज नहीं हो, सोच के देख, खुद लॉजिक लगा के देख, इस पॉइंट को कैसे घुमाऊं स्क्रीन पर कि ना तो S2P चेंज हो ना S1P चेंज हो, सोच के देख, अरे सोच के देख, गलत तो नहीं कह रहा, सोच के देख, सोच बिल्कुल ऐसा कैसा, यहां ले लो तब भी क्या यही दूरी होगी, बोल कैसे घुमाऊं, कैसे घुमाऊं, तो जहां जाए ये लैम्डा रहेगा वहां वहां फर्स्ट मैक्सिमम बनेगा, क्या बनेगा, तो आपको सर्कुलर फ्रिंजेस नजर आएंगी, कैसी फ्रिंजेस नजर आएंगी, सर्कुलर, इस प्रकार की, देखो ये सब गणित प्लस ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दीज आर टिपिकल थिंग्स, जनरली नहीं पढ़ाया जाता, एक स्ट्रेट लाइन पढ़ा के छोड़ देते हैं, देख जो आपकी फ्रिंजेस बनेंगी वो ऐसी बनेंगी, देखो ये बीच में डॉट डॉट फिर ऐसी, बोलो समझ में आ रही है कैसी फ्रिंजेस हैं, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, दीज आर सर्कुलर फ्रिंजेस, कैसी फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस हैं, इमेजिनेशन वीक है यार तुम लोगों की,
अच्छी चीज पढ़ाते गायब हो जाते तुम लोग, सारी इंटेलिजेंस धरी रह जाती तुम्हारी। मैं तुम्हें 10 बार कह चुका हूं मेरी जितनी तेज बुद्धि चलनी चाहिए एंड आते आते तुमको, तुम्हारी बिल्कुल नहीं, धीरे नहीं, कुछ समझ में नहीं आया बेझिझक पूछ, सब चीज का जवाब दूंगा मैं तुम्हें, बट बुद्धि चलानी पड़ेगी, सोते सोते नहीं चलेगी वो, सो मत एकदम। कुछ भी हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द S2P और माइनस S1P डिजिशन। सही जवाब है S2P माइनस S1P ब्राइट होगा डार्क, क्या इस बात पर डिपेंड करता है इन दोनों के बीच की कितनी दूरी है, अगर इनकी बीच की दूरी लेमडा हुई तो मैक्सिमा, 1.5 लेमडा हुई तो मिनिमा, और कुछ हुई तो हो सकता कुछ और भी नहीं हो, समझ में आ रहा है, वो इस बात से डिपेंड करती है। बट एक मिरर लिया, क्या लिया है, उस मिरर के ऊपर यहां एक सोर्स रख दिया। जेई का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और उन्होंने यहां एक स्क्रीन रख दी, उन्होंने और भी बड़े बड़े पार्ट पूछे, जो पहला बेसिक पार्ट था, कैलकुलेशन पार्ट भी थे उसमें, वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, 10 नंबर का सब्जेक्टिव में आया था, उसका जो पहला पार्ट था 3 नंबर का, उसमें उन्होंने पूछा था शेप ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। सोच के देख पहले हो क्या रहा है, सोच के देख पहले हो क्या रहा है, उन्होंने सवाल पूछा, जेई का सवाल है, जेई या रुड़की का, 10 नंबर में आया सब्जेक्टिव में 2000 के पहले। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये जो स्क्रीन है इस पर फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, ध्यान से देखो, यही वाला केस है। पहले तो कौन, दो सोर्स कौन है, एक सोर्स और एक, क्योंकि इमेज सोर्स से ही बनी है इसलिए कोहेरेंट इनकोहेरेंट, कोहेरेंट इनकोहेरेंट, ये भी एक तरीका है कोहेरेंट सोर्स जनरेट करने का। अरे है कि नहीं यार, सोर्स रख दो, सोर्स से जो इमेज बनेगी उसी का तो पार्ट है, तो सोर्स और इमेज विलेक्ट है कोहेरेंट सोर्सेस, सोर्स एंड इमेज विलेक्ट है, और बताओ ऊपर फ्रिंजेस कैसी बनेगी। अरे वही तो पढ़ रहे थे अभी, वैसे तो कैसे बोल है कि नहीं यार, जेई ने 3 नंबर का सवाल पूछा था जो मैंने आपसे अभी भी पूछा, तो अगर आपको क्लैरिटी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बोल चमका, इसमें सोर्स एंड इमेज विल एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेस, सोर्स एंड इमेज विल एक्ट एज अ, क्या मैं थोड़ा टफ पढ़ा रहा हूं, बोल बात चमक रही है, सोर्स एंड इमेज विल एक्ट एज अ कोहेरेंट, उतार लो इसे भी, अच्छा सवाल था, इसे कैलकुलेटिव पार्ट नहीं करा रहा मैं, कहीं ना कहीं दूंगा उसको। और सुन, और YDSE पे आप चर्चा करता हूं, तो मैं इंटरफेरेंस पैटर्न पे चला गया था, 3 इंटरफेरेंस पैटर्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां देखिएगा और थोड़ी किस प्रकार की बात है, जो मैं YDSE सेटअप अभी आपको पढ़ा रहा हूं उसको अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये इसमें जो मैं लाइट गिराता था, क्या गिराता था, लाइट, उस लाइट, वो लाइट तुम जानते हो मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक जानते हो क्या, सिंगल वेवलेंथ, आपको कई बार इस शब्द का प्रयोग कराया हुआ दिखाई देगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैंने पहले इसलिए डराया, मैंने कहा पहले ही डर जाते हैं, डरो मत, जैसे व्हाइट लाइट है उसमें कितने कलर, बहुत सारे, सबके कॉम्बिनेशन होते हैं रियलिटी, क्या उसकी वेवलेंथ वेरी करती है 3800 से लेकर 7600, एक वेवलेंथ बहुत सारी, उन्हें बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक, क्या बोलते हैं, जो मैं सवाल कर रहा था उसमें एक वेवलेंथ ही बहुत, मैं तो एक ही लेमडा ले रहा था ना, तो जो तू लाइट अभी यूज कर रहा था वो कैसी थी, मोनो, ये सवाल में लिखा हुआ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, वो मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है, ओनली वन वेवलेंथ, डरना मत, ओनली वन वेवलेंथ, बाइक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, क्या बात चमकती है, मैंने अभी तक जितने भी सवाल कराए वो मोनोक्रोमेटिक के थे कि पॉलीक्रोमेटिक के, मोनोक्रोमेटिक थे, सो मत, किसके थे, मोनोक्रोमेटिक के थे, तो मोनोक्रोमेटिक की अपन बात कर रहे थे, मोनोक्रोमेटिक पे अपन चर्चा करी थी, मैंने बोला नहीं कि मोनोक्रोमेटिक, अब बात बोल रहा हूं क्योंकि अब मैं बाइक्रोमेटिक पढ़ाऊंगा, ऐसे ही अगर अपन बाइक्रोमेटिक की बात करें तो 2 वेवलेंथ, और पॉलीक्रोमेटिक आप जानते हो, थोड़ा सा इसको लिख लो ताकि आपको याद रहे, 2 वेवलेंथ, पॉलीक्रोमेटिक, जेई के सवाल से मैं चालू करता हूं, ध्यान सुन,
ये सवाल जेई दो बार पूछ चुकी है इस तरीके का, एग्जैक्ट सेम पैटर्न, फिर पूछ लेगी, कोई खास बात नहीं, सुने सवाल को अच्छे से, तू कर सकता है, मैं तेरे से करवाने की कोशिश करूंगा। इधर सुन, उन्होंने क्या बोला कि एक बाइक्रोमेटिक रे गिरी, बाइक्रोमेटिक का मतलब कितनी वेवलेंथ, लेमडा वन 4500 एंगस्ट्रॉम, लेमडा टू 6000 एंगस्ट्रॉम। बोलो क्लियर, क्या दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह बनेगा? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देते जाएं, क्या दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह बनेगा? यस और नो? यस और नो? लेमडा वन का सेंट्रल मैक्सिमा क्या यही बनेगा? क्या लेमडा टू का भी यही बनेगा? क्या दोनों का फर्स्ट मैक्सिमा एक जगह अलग अलग, एक जगह अलग अलग? पक्की बात? अब सवाल सुनना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बड़े डी की वैल्यू दी 1 मीटर, छोटे डी की वैल्यू दी 1 mm, और आपसे पूछा फाइंड वाई मिनिमम सो दैट मैक्सिमास ऑफ लेमडा वन एंड लेमडा टू कोइंसाइड। क्या ऐसा हो सकता है? पहले हो सकता है, नहीं हो सकता? यही सवाल तो जेई का सवाल है, दो बार पूछ चुकी हो, 2 times। चलो देखते हैं, तुम्हें करा कैसे पहले बताओ, क्या ये वाई पे मैक्सिमास दोनों के कॉन्साइड कर सकते हैं? करने का तरीका क्या है, क्या ऐसा हो सकता है? इसका ऐसा मान लेते हैं, ऐसा समझ, ऐसे लिखना चाहिए, मान लें कि nth मैक्सिमा ऑफ लेमडा वन कोइंसाइड्स विद mth मैक्सिमा ऑफ लेमडा टू। कैसे लिख सकते हैं? अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, मान लो इसका nth मैक्सिमा है, किसका? लेमडा वन का, तो क्या y की वैल्यू कितनी होगी? n लेमडा वन d बाई डी, यस और नो? और अगर उसका mth मैक्सिमा है तो उसकी कितनी होगी? m लेमडा टू d बाई डी। यार आया नहीं यार, बिल्कुल बेसिक, d ने d को, बोल क्या बचा? n लेमडा वन बराबर m लेमडा टू, लेमडा वन की वैल्यू, लेमडा वन की वैल्यू 4500, इसकी वैल्यू 6000, तो 4500 बराबर m इंटू 6000, दो जीरो ने दो जीरो को मार दिया, 15 से काटो तो ये कितना 4, ये कितना 3, क्या m बाय n का रेशो आया 3/4? अगर अपन बहुत लॉजिकली सोचे तो मिनिमम क्या हो सकता है कि लेमडा वन का चौथा मैक्सिमा, लेमडा वन का किससे कॉन्साइड करा? लेमडा टू के तीसरे, इसके बाद कब होगा ऐसा? क्या लेमडा वन का आठवां मैक्सिमा? यार नहीं है यार, पर मेरे से तो वाई मिनिमम पूछा गया, मतलब मैं ये 3 या 4, अब कोई भी वैल्यू रख दो यहां पे, एन के लिए हो तो 3 रख दो, सॉरी एन के वैल्यू कितनी रख दो? 4, कितनी रख दो? 4, तो वाई के लिए क्या रखी जाएगी? 4 इंटू लेमडा वन के लिए कितनी है? 4500 इंटू 10^-, किसमें निकालना है अपने को? mm, तो कितना 10^-7 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 1000 mm अपॉन 1 mm। फोर्टी फाइव इंटू 4 कितना हुआ? 180, 1.8 mm आ रहे। अरे 1.8 mm आ रहा है, ये जेई का सवाल था, और जेई ऐसे सवाल दो बार पूछ चुकी है, 2 times, दो बार। अगर ढंग से समझ में आ जाए तो मैं कहता हूं मिनिमास पूछते तो क्या करते, मैं पूछता फाइंड आउट बाय मिनिमम सो दैट मिनिमास विल कॉन्साइड। यहां पे आता 2n-1 और यहां पे क्या था? तो
तो 2n-1, 2n+1 की अभी वैल्यूज देखनी पड़ती जहां पे वो 3/4 मैच करता। क्या मैच करता? अरे यार तुम्हें नहीं आया यार, वो किसी भी चीज के लिए आपसे पूछ सकता है, आपको समझ। मैं कह रहा हूं क्या मैं अब दो बार पूछ सकता है, डेटा अलग अलग ले सकता था। सोच अगर मैं एक लेता 2000, एक लेता 4000, एक लेता 2000, एक लेता 4000, क्या पहले पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, अरे 1/2 आता ना रेशो, अरे कितना आता? अब तो डेटा चेंज करने वाली बात है, उसमें कोई खास बात नहीं आया। बोलो चमका एकदम। इस तरीके सवाल आते हैं। अब इसमें फिर मैं बार बार कह रहा हूं, सारे सवाल उसी प्रकार के आते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताए थे। पहला मैक्सिमम बताओ, दूसरा मैक्सिमम बताओ, चौथे और पांचवें मैक्सिमम के बीच की दूरी बता दो। इंटेंसिटी प्रॉब्लम आपसे करा लेगा, इस तरह की प्रॉब्लम आपसे करा लेगा। मैं इसमें एक और अच्छी चीज बताता हूँ, छोटी सी। जैसे मान लो लिखो व्हाइट लाइट इन अ YDSE, सिंपल सी बात है, थोड़ी सी याद होनी चाहिए। लिखो व्हाइट लाइट इन अ YDSE। एक मिनट, इस पे एक और सवाल कर रहा हूं, समझ आ गया है? जरूरत तो नहीं ना। देखो व्हाइट लाइट इन अ YDSE, लिखो व्हाइट लाइट इन अ YDSE, हाँ भाई इधर देख, बात नहीं, व्हाइट लाइट इन अ YDSE, व्हाइट लाइट इन अ YDSE, व्हाइट लाइट इन अ YDSE। जैसे मान लो, अच्छा बताओ व्हाइट लाइट में कितनी वेवलेंथ? 7 नहीं, सिर्फ हर कलर की भी वेवलेंथ रेंज होती है, मतलब ऐसे समझ लो 3800 लेगा 7600 तक हर वेवलेंथ होती है व्हाइट लाइट में बेसिकली अगर बात करी जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये YDSE सेटअप है, इस पे आपने व्हाइट लाइट गिराई, व्हाइट लाइट, क्या आपको कहीं पे व्हाइट स्पॉट नजर आएगा? मेरा सवाल समझो पहले, जो मैं कह रहा हूं, आपने व्हाइट लाइट गिराई, क्या हुआ? मुझे मैंने कुछ गड़बड़ लिखा, लाइट की स्पेलिंग क्या होती? लाइट की स्पेलिंग व्हाइट लाइट। अच्छा तुम लाइट की स्पेलिंग देख के हंस रहे थे क्या? व्हाइट लाइट गिराई तो बताओ क्या कोई ऐसी जगह होगी जहां पे व्हाइट स्पॉट बनेगा? बताओ कहां? बेसिकली यही व्हाइट लाइट का यूज होता है, और कहीं व्हाइट स्पॉट होगा? सोच के देख, सोच के देख। सारे के अनंत हैं, सारे कैसे मैच कर जाएंगे? अरे अनंत वेवलेंथ हैं, कैसे हो, कैसे सकता है बताओ? अनंत वेवलेंथ है, सबके मैक्सिमास कैसे कॉन्सेंट कर जाएंगे? 2 के कर जाएंगे, 3 के कर जाएंगे, 7 के कर जाएंगे, इनफाइनाइट के कैसे कर जाएंगे? कर सकते हैं क्या? इनफाइनाइट मैक्सिमा, इनफाइनाइट वेवलेंथ है कि नहीं है? तो क्या इनफाइनाइट वेवलेंथ एक साथ कॉन्सेंट कर सकती है क्या मैक्सिमास के लिए? तो आपको अच्छा क्या किसी एक जगह व्हाइट स्पॉट नजर आएगा? कहां पे? कहां पे? सेंट्रल मैक्सिमा। असल में व्हाइट लाइट का यूज है YDSE में, YDSE गिराओ, सॉरी YDSE में व्हाइट लाइट गिराओ, जिस जगह व्हाइट स्पॉट आए वो क्या है? व्हाइट लाइट रियलिटी में यूज ली जाती है क्या निकालने के लिए? कौन से सेटअप में? YDSE, इट्स अ यूज ऑफ व्हाइट लाइट, क्योंकि सर पूरी स्क्रीन में एक ही जगह होगी। आप बोल रहे सर उसमें ढूंढने लेके आते हो, मिडिल ही है। अभी आगे आपको बताऊंगा जिसमें जिसमें अपन बताएंगे कि भाई अपन YDSE को और कैसे कैसे तरीके से बना सकते हैं, तो उसमें सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएंगे, तब ढूंढना पड़ता है कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां है। तो व्हाइट लाइट बताती है कि सेंट्रल मैक्सिमा, व्हाइट लाइट गिराओगे तो सेंट्रल मैक्सिमा से ही सिर्फ एक ऐसा होगा जहां पे क्या बनेगा? व्हाइट स्पॉट। क्या बनेगा? तो रियलिटी में व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सेंट्रल मैक्सिमा इन द YDSE सेटअप।
इन द YDSE कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता हूं और सुने। सबसे ध्यान सुनना, बिल्कुल बीच में कौन सा कलर नजर आया? व्हाइट। कौन सा नजर आया? अब थोड़ा सा ऊपर चलो, धीरे धीरे ऊपर चलना चालू करो, कौन सा कलर नजर आएगा सबसे पहले? मैं एक मिनट, क्या मेरा सवाल चमका? मैं कह रहा हूं आपको सबसे मिडिल में क्या नजर आया? क्या नजर आया? व्हाइट नजर आया। अब आप क्या, मैं थोड़ा टफ पढ़ा रहा हूं आज, ऐसा ऊपर से निकल रहे हो, बताओ मेरे, आसानी भी पढ़ा सकता हूं मैं, अरे समझ आ रहा है ना? तो जब आप ऊपर गए तो आपको क्या नजर आया? व्हाइट। क्या नजर आया? व्हाइट नजर आया। बोला आया नहीं आया? उसे थोड़ा सा ऊपर गए तो कौन सा कलर सबसे पहले नजर आएगा? कौन सा? कौन सा? क्यों? क्या सबसे पहला मैक्सिमा उसी का बनेगा? लेमडा डी बाय डी। तो सबसे पहला मैक्सिमा किसका? किसका? वॉयलेट का। सबसे पहले मिनिमा किसका? वॉयलेट का। सबसे पहले मिनिमा किसका? तो वॉयलेट का पहले मिनिमा आएगा कि मैक्सिमा? मिनिमा। क्या आएगा? मिनिमा। तो जहां वॉयलेट का मिनिमा आएगा वहां कौन सा कलर दिखेगा? वॉयलेट। रेड। 90% किताबों में भी गलत लिखा हुआ है ये, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं सही है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहला कलर रेड नजर आएगा। जो आउटर सरफेस नजर आती है व्हाइट कलर की वो रेड होगी। सबसे रफ्तार में सबसे पहले मिनिमा किसका बनेगा? वॉयलेट का या रेड का? सो जिस जगह वॉयलेट का मिनिमा होगा वहां वॉयलेट दिखेगा क्या? नहीं। क्या दिखेगा? नहीं। तो सबसे पहले तो रेड अपीयर होगा आपको या वॉयलेट अपीयर होगा? कोई आपसे पूछे कि सबसे पहला मैक्सिमा किसका? सबसे पहला मैक्सिमा किसका? कंफ्यूज मत हो, सही पढ़ा रहा हूं एकदम। सबसे पहले मैक्सिमा किसका? सबसे पहले मिनिमा किसका? पर सबसे पहले कलर कौन सा दिखेगा? वॉयलेट नहीं दिखेगा। मैक्सिमम किताबों में गलत है। अगर ये सवाल AIEEE में आ जाए कि विच कलर अपीयर्स फर्स्ट, तो कौन सा आंसर लगाओगे? वॉयलेट। किस में आए? AIEEE में। पर अगर IIT में आए तो नंबर लाने ना। जो बोला चमका, बट सच्चाई क्या है उसको जब वो AIEEE पूछ रहा होता है ना, विच कलर अपीयर्स फर्स्ट, तो बेसिकली मैक्सिमा पूछ रहा होता है, बट रियलिटी में विच कलर अपीयर्स फर्स्ट? रेड। किसकी इंटेंसिटी? हाँ जाहिर सी बात है, पर जिस जगह वॉयलेट की मिनिमा है उस जगह तो इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट तो जीरो हो गई, तो किसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है? और लॉजिकली सोचो, जब ऊपर जा रहे हो कहां जा रहे हो? ऊपर। बहुत अच्छी किताब पढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई देगा, क्लैरिटी से बताते हैं हम। जब ऊपर जाते हो तो सबसे रफ्तार में किसकी इंटेंसिटी घट रही है? वॉयलेट। और धीरे धीरे तो आपको जो पेरिफेरी नजर आएगी वो तो रेड नजर आएगी ना। क्या नजर आएगी? हाँ ये बात सही है कि पहला मैक्सिमा वॉयलेट का है, पहला मिनिमा भी वॉयलेट का है, बट विच कलर अपीयर्स फर्स्ट? विच कलर अपीयर्स फर्स्ट? AIEEE आंसर, IIT आंसर। क्या बात क्लियर है? अब लिखो जो लिखा रहा हूं, डायग्राम बनाओ, फिर लिखा रहा हूं जो लिखो। दिमाग लगाने वाली चीजें हैं सब। लिखो, अगर हम YDSE सेटअप में व्हाइट लाइट गिराएं, मैं दिखाई दे रहा हूं, अगर हम YDSE सेटअप में व्हाइट लाइट गिराएं तो पूरी स्क्रीन पर सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा
जहां पर व्हाइट स्पॉट बनेगा। तो पूरी स्क्रीन पर सिर्फ एक स्पॉट ऐसा होगा जहां पर व्हाइट स्पॉट बनेगा, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा। पिन होल्स ले ले, सही डाउट है ना, पिन होल्स के लिए बता रहे। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे व्हाइट स्पॉट बनेगा, गड़बड़ लिखाएगा मैंने, नहीं व्हाइट स्पॉट बनेगा। दैट इज व्हाई व्हाइट लाइट इज यूज टू डिटेक्ट सेंट्रल मैक्सिमा इन वाईडीएसई सेटअप, सेंट्रल मैक्सिमा इन वाईडीएसई सेटअप। हो गया, इन वाईडीएसई सेटअप। नेक्स्ट लिखो, अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर चलें, अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर चलें, तो पहला मैक्सिमा, तो पहला मैक्सिमा अगर हम इससे ऊपर चलें तो पहला मैक्सिमा वॉयलेट का आएगा एंड पहला मिनिमा भी वॉयलेट का आएगा। एंड पहला मिनिमा भी वॉयलेट का आएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो, ऊपर चलने पर जो सबसे पहला कलर हमें अपीयर होगा, ऊपर चलने पर जो सबसे पहला कलर हमें अपीयर होगा वह, दो एरो लगा लो इसे, AIEEE वॉयलेट, IIT रेड, ब्रैकेट में लिख लेना। सोचो ब्रैकेट में लिख लेना, सोचो अब इसको लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं, नंबर लाओ, चुप रहो, मस्त रहो एकदम, है ना। क्या तुम्हें व्हाइट लाइट की थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आई है? और बोलो चमका एकदम। ये बेसिकली हम थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन कर रहे हैं किसमें, वाईडीएसई में। ये सब कहलाते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ वाईडीएसई। क्या कहलाता है? मॉडिफिकेशन ऑफ वाईडीएसई। सुन लो, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन देख, छोटे छोटे सवाल कैसे देख, मान लो कि अरे ऐसे स्लिट्स लू पर जो रेज गिराऊं वो ऐसे गिराऊं, जैसे अभी तक तो हम जो रेज गिरा रहे थे सीधी सीधी गिरा रहे थे, तो सेंट्रल मैक्सिमम बिल्कुल मस्त जगह बन रहा था। मैं कह रहा हूं ऐसे, इसे कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या कहते हैं? ये मॉडिफिकेशन ऑफ वाईडीएसई में कहलाता है ऑब्लिक इंसिडेंस। बोलो क्लियर। ऐसे रहेगी रही, मान लो सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा? आपका जो नॉर्मल वाईडीएसई सेटअप होता है उसमें रेस कैसे गिराई जाती है? ऐसे सीधी, तो ये दोनों एक ही वेव फ्रंट पे आते हैं। अरे यार, एंड बोथ द सोर्सेज स्टार्ट एक्टिंग एज अ कोर एंड सोर्सेज स्टार्ट एक्टिंग एज अ, ऐसे करने का तरीका ही मैं बताता हूं। मैंने आपको अलग एक पॉइंट सोर्स से बताया था, ऐसे करते थे, बताता हूं देखो कैसे करता है। रियलिटी में एक लेंस रखते हैं,
उसके फोकस पे क्या रख देते हैं, सोर्स। उस सोर्स से जो रेंज निकलेंगी वो कैसी हो जाएंगी, तो एक ही वेव फ्रंट पे गिरती है, बढ़िया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, दोनों सोर्सेज बन जाते हैं, ये होते हैं। मैं कह रहा हूं पर अब साला पूरा सेटअप टेढ़ा कर दिया गया, इसे बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक इंसिडेंस। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, सो रहे हो तुम लोग, सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, बोलना पड़ेगा भाई साहब, सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, बोलो 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 बोलो, सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, बोलना पड़ेगा भाई, सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा, बोलना पड़ेगा, कहां ऊपर, यहां पे बनेगा क्या, ऊपर। सेंट्रल मैक्सिमम तो पार्ट डिफरेंस जीरो होता है ना, अगर आप ध्यान से तो S1 में पहले से पाथ है, यहां से परपेंडिकुलर डालो तो बताओ कौन ज्यादा था पहले से, S1 S2? क्या यहां तक दोनों बराबर थे? क्या ये पहले से इतना ज्यादा चल चुका है? अब अगर अपन ध्यान देंगे तो यहां पे अगर अपन ले तो यहां पे क्या S1 का पार्ट पहले से ज्यादा है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा कहां जाएगा, ऊपर, कहां जाएगा, ऊपर, ऐसे। ये अरे यार हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, ऐसे ऊपर, ये आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। अगर आप लॉजिकली सोचो तो S1 और S2 जब S1 S2 बने तो उनके बीच का इनिशियल फेज सेम, क्या वो कोहरेंट है, क्या वो कोहरेंट है, पहले तो कोहरेंट है कि नहीं है, हैं, बट क्या उनके बीच का इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो है, उनके बीच में क्या पहले से इनिशियल फेज है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पाथ चल चुका है। सोच के देख, आपको पाथ यहां से एक वेट करना चाहिए, ध्यान देखो तो ये डी, ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, क्या ये दूरी डी साइन थीटा, कितनी, क्या एक्स्ट्रा पहले से डी साइन थीटा चला हुआ है, अरे यार हाँ ना बोल। अब कोई आपसे भाई पूछ ले तो आप पहले कोई खास बात नहीं सुनना, ध्यान से कितना ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपके लिए किसी भी यहां से वाई दूरी पर, किसी भी यहां से आप पहले निकाल चुके हो, S2P, मान लो पॉइंट पी मान लेते हैं, क्या S2P माइनस S1P को ज्योमेट्रिकली क्या डी साइन थीटा लिखा जा सकता है, अरे यार मैं मान लेता हूं ये थीटा, ये थीटा अलग अलग है, एक मिनट रुक जाओ, उतार नहीं जल्दबाजी में करो, समझो इस बात को पहले, ये मैंने क्या लिखा पहले था, ये वो वाला थीटा है जो अपना पुराना वाला थीटा होता था, इसे अल्फा मान लो, कंफ्यूज मत हो, मान लेते वहां सेंट्रल मैक्सिमा बना, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब डी साइन अल्फा, सोच के देखना गलत लिख रहा हूं तो, डी साइन अल्फा प्लस S1P बराबर S2P, सेंट्रल मैक्सिमा का क्या मतलब है, सोच के देखो, डी साइन अल्फा प्लस, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, डी साइन अल्फा प्लस S1P बराबर S2P, यानी कि क्या डी साइन अल्फा बराबर S2P माइनस S1P, अरे क्या ये वही गणित वाली कैलकुलेशन है जो मैं पहले सीख चुका हूं, क्या इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी भी लिखी जा सकती है, क्या डी साइन थीटा भी लिखी जा सकती है, क्या डी साइन थीटा के बाद डी वाई बाई डी आता था, हमें नहीं पता कि अजम्पशन वैलिड होंगे नहीं होंगे, इसलिए हमने इसको डी साइन थीटा के बराबर लिखा, किसके बराबर लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता छोटा होगा बड़ा, यस और नो, तो दिस शुड बी इक्वल टू डी साइन अल्फा इक्वल टू डी साइन थीटा, डी ने डी को, अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा छोटा दिया हो ये कोई जरूरी, कई बार 30 डिग्री दिया होता है, कितना दिया होता है, इसलिए मैंने उसे डी से, क्या मैं इसे डी वाई बाई डी लिख सकता था, अभी लिख सकता हूं क्या, मुझे ये पता, इसलिए ऐसे लिखा गया है, तोते उड़ गए भाई साहब, अरे चमका जो मैं बोल रहा हूं, इसलिए ऐसा कर रहे थे, इसे बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस, क्या कहते हैं इसे, दिस इज नोन एज ऑब्लिक इंसिडेंस। हाँ कहां पे, कहां पे, यहां पे करा ना, मैंने कहा सेम लिया, अरे यहां पे नया सोर्स बन जाता है ना, नए सोर्स तो किधर भी रे फेंक सकता है, वो सिर्फ यही रे फेंक रहा है, सब जगह फेंक रहा है, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पे क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट है जहां पे डेल्टा एक्स जीरो होता है,